आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं हाउस फंड के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि वेस्टेज में एक लेवल के बाद हमें हाउस फंड मिलता है। हाउस फंड मतलब घर खरीदने के लिए वेस्टेज आपको पैसा देती है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हाउस फंड आपको कब मिलता है, कितना मिलता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और साथ में इसकी कंडीशंस क्या है, सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और इसके पहले हमने कार फंड के बारे में बताया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो एक बार जरूर देख लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दें। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टेज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। तो हाउस फंड पाने के लिए सबसे पहले तो आपको बनना पड़ेगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर। जैसे कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए आपको 5500 पीवी का बिजनेस करना होता है और हर महीने आपको मिनिमम 2001 पीवी का बिजनेस देना होता है, तब यहाँ पर आप बन जाओगे क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि आप करते हो 40 पीवी और आपके डाउनलाइन में ए वाला ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, बी वाला ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, सी वाला ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, डी वाला, ई वाला और एफ वाला, ये सारे लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। मतलब कि इन सारे लोगों ने 5500 एक्यूमुलेटिव पीवी किया है और उसके बाद हर महीने मिनिमम 2001 पीवी का बिजनेस ये दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे लोग कहलाएंगे क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और आपकी डाउनलाइन में अगर 6 क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं तब यहाँ पर आप बन जाओगे क्राउन डायरेक्टर। और दोस्तों जैसे ही आप क्राउन डायरेक्टर बनते हो आप क्वालिफाई हो जाते हो हाउस फंड इनकम के लिए। पर उसकी कंडीशन है, कंडीशन ये है हाउस फंड इनकम के लिए आपको 3 महीने तक अपने जो लेवल है उसको मेंटेन करना होता है। अब मेंटेन कैसे होगा, आपके साथ में जितने भी 6 क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, अगर ये 6 लोग इनके 40 पीवी के साथ 2001 पीवी का बिजनेस 3 महीने तक लगातार देते हैं, तब यहाँ पर आप क्वालिफाई हो जाओगे हाउस फंड इनकम के लिए। तो कंडीशन बहुत सिंपल है। सपोज कि यहाँ पर मार्च में ए वाला ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने तक उसको क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर रहना पड़ेगा। और ऐसे अगर 6 लोग आपके डाउनलाइन में क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर रहते हैं तो यहाँ पर आपको मिलने लग जाएगा हाउस फंड। नहीं, ये पहली कंडीशन है, एक बार की कंडीशन है, एक बार इसको अचीव कर लेते हो फिर उसके बाद आपको लाइफ टाइम हाउस फंड आने लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम बता दें कि वेस्टिज आपको हर महीने मैक्सिमम 1 लाख रुपए का हाउस फंड देती है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम आपको हाउस फंड की नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो हाउस फंड की इनकम है 3% वो डिस्ट्रीब्यूट होती है क्राउन डायरेक्टर और अबव लेवल वालों को। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसको समझते हैं। मान लीजिए आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो और आप 100 पीवी करते हो, इसके साथ आपकी ए लेग वाला 2500 पीवी करता है, बी लेग वाला 5000 पीवी का बिजनेस देता है, सी वाला 2001 पीवी का बिजनेस देता है, डी वाला 4500 पीवी का बिजनेस देता है, फिफ्थ वाला 4000 पीवी का बिजनेस देता है और सिक्स वाला 3000 पीवी का बिजनेस देता है। और इसके साथ आपके साइड लेग में जो 10% लेवल पर लोग हैं वो देते हैं 700 पीवी का बिजनेस। तो इस स्ट्रक्चर पर आपको कितनी इनकम आएगी और कैसे इनकम आएगी वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट डेप्ट से आएगी 6%। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट डेप्ट क्या होगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट डेप्ट होगा आपका सेल्फ पीवी और जो नॉन क्वालिफाइड है 10% वाले, तो ये कहलाएगी आपकी फर्स्ट डेप्ट। यहाँ से आपको आएगा 6%, तो यहाँ पर टोटल आपका पीवी होगा 800। तो अगर हम 800 × 6/100 करते हैं तो यहाँ पर हमारा 48 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। इसके साथ सेकेंड डेप्ट, आपकी सेकेंड डेप्ट क्या होगी, आपकी सेकेंड डेप्ट होगी एक जितने भी क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं वहाँ से आपको आएगा 5%। तो इन सब लोगों ने मिलाकर किया है 21000 पीवी का बिजनेस। अब ये 21000 पीवी का बिजनेस क्या है, तो 21000 × 5/100, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट्स निकल कर आएगा 1050 पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपके टोटल डीबी पॉइंट्स हो गए 1098। अब ये जो 1098 है इससे हमारा हाउस फंड निकल कर आएगा। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर आपका टोटल डीबी पॉइंट्स हो गए 1098, तो इस महीने की जो हाउस फंड वैल्यू है वो है 0.40 पैसा और बिजनेस वॉल्यूम है 18। जो फॉर्मूला है हाउस फंड निकालने का वो है टोटल डीबी पॉइंट्स इंटू हाउस फंड पॉइंट्स वैल्यू इंटू बिजनेस वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपका 1098 × 0.40 × 18, तो यहाँ पर आपकी जो हाउस फंड की इनकम आएगी वो आएगी 7905 रुपीज़। तो दोस्तों ऐसे हमारी हाउस फंड की जो इनकम है वो निकलती है।
आप सोच रहे होंगे कि यार इतने पीवी किए और हमें सिर्फ 8,000 रुपये ही आए, तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ हाउस फंड की इनकम है। क्राउन डायरेक्टर को और भी इनकम आती है, तो वेस्टिज में क्राउन डायरेक्टर की इनकम 75,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकती है, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये टोटल डिपेंड करता है बिजनेस टर्नओवर पर। जितना ज़्यादा पीवी आप करोगे उतनी आपको इनकम मिलेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपनी टीम के साथ शेयर करें, ताकि सारे लोगों को इसकी जानकारी हो। उसके साथ आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है उसके बारे में कमेंट कर दें, ताकि हम कोशिश करें कि उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू, विश यू वेल्थ, जय हिंद, जय भारत।